हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलिए आज की व्लॉग शुरू करते हैं। और ये देख मेरे माथे पर है टीका। ये हम आज दशहरा के दिन हमारे कल्चर में लगाते हैं। और ये हमको हमारे बड़े लगा देते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे हमसे बड़े, और हम अपने छोटे बच्चे को लगा देते हैं। मेरे घर में ससुराल में तो हमारा टीका हो गया है। और अब मैं जाऊंगी अपने मायके, वहाँ हमारे माँ बाबा, हमारे बड़े भैया भाभी और हमारे मामा मामी सब लगाते हैं। हम सबके घर जाते हैं और ऐसे माथे पे टीका लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये देखिए हमारे बच्चे सभी इधर से उधर अपने घरों में टीका लगाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए इधर टीका लगाने के लिए बैठ गए हैं और सब अपने बड़बों के घर में जाते हैं इसे टीका लगाने के लिए। और ये मेरी बेटी देखिए टीका लगा के, और ये मेरे हस्बैंड अपने भैया भाभी के हाथों से वे भी टीका लगा रहे हैं। और हमारे माँ बाप तो यहाँ के, यानी मेरे सास ससुर तो अभी नहीं है। और ये मेरे बेटे देखिए, मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए ये आगे आगे आ रहा है वीडियो में दिखने के लिए, उसको अब आदत हो गई है वीडियो में आने का। और मुझे भी मेरी जेठानी लोग है वह टीका लगा देती हैं। ये बड़ी जेठानी है देखिए। अब हमारा खाना पीना चल रहा है अंदर, अब ऐसे खाना खा के हम जाएंगे मायके। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे दशमी के दिन टीका लगाकर हमारे घर में ऐसे सभी फैमिली मेम्बर मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। ये देखिए ये सामने बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल में मेरे भतीजे, और यहाँ हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे लोग हैं और बड़े भी हैं। और ऐसे हम सब आज दशमी के दिन ऐसे मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और यहाँ देखिए हमारे जेठानी दीदी के घर में कैसे इतने अच्छे से हो गए हैं राई के साग। ये देखिए वो ये बड़े बड़े हो गए हैं और ये बहुत टेस्टी है। कल मैंने भी यहाँ से लेकर बनाई थी, बहुत टेस्टी साग है ये देखिए। अब हम जल्दी जल्दी में अपने मायके जा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए हमारे मायके जाने के लिए टमटम आ गए हैं। हम थोड़ी दूर ये टमटम में जाएंगे और उसके बाद बस में जाएंगे। और ये हमारे साथ जाएंगी, ये हमारी ही बहन, इनके भी मायके हमारे मायके के गांव में ही है और ये हमारी बहन भी है। अब मायके जाते जाते ही थोड़ा अपने गांव का नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, और आज ना बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत गर्मी है। आजकल हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। आगे तो दशहरा के टाइम ऐसा नहीं था, अब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गया है। और इधर देखिए टमटम में सभी बैठ गए हो और मैं भी बैठ जाऊँगी। और ये देखिए ये है हमारी बहन और ये हमारे साथ ही जाएंगी मायके। उनका और मेरा मायका नज़दीकी है, एक ही गांव में है और हम एक साथ ही जा रहे हैं अभी। मायके तक का ब्लॉग तो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अभी बस स्टेशन तक का ब्लॉग बना कर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा मायका तो थोड़ी दूर ही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे घर है विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट और मेरा मायका है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, इसलिए थोड़ा दूर ही है। और वीडियो बनाने से ज़्यादा लंबा होगा इसलिए जितना हो सके मैं बना लूँगी, पर ज़्यादा बनाने से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये टमटम तक का और बस स्टेशन तक का वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरे गांव भी बहुत ही खूबसूरत है। अब आ गए हैं चाय के बागान, ये देखिए कितने सुंदर हरे हरे चाय के बागान है।
मुझे तो ये देखना बहुत पसंद आता है, आप लोगों को भी आता होगा। और कमेंट में बताइए आप लोग किसको किसको चाय के बगान देखना पसंद आता है। ये देखिए कितनी हरियाली है, कितना सुंदर चाय का बगान है। ये बगान यहाँ हमारे गांव में छोटा सा है पर बहुत सुंदर सा बगान है। अब इधर है सैगुन के पेड़, यहाँ बहुत ज़्यादा सैगुन के पेड़ है। ये देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा फीलिंग आता है जब हम लोग यहाँ आते हैं, ये रास्ता क्रॉस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत अच्छा फीलिंग आता है, यहाँ इतने अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ है, सैगुन के पेड़ और ही बहुत ही पेड़ है। इतना पेड़ का नाम तो मुझे पता नहीं पर अभी मैं भूल गई हूँ थोड़ा, पर बहुत ही पेड़ है यहाँ। देखिए इतना सुंदर सुंदर पेड़ है और एक बड़ा सा ग्राउंड है। देखिए यहाँ बहुत लोग आते हैं गाड़ी सिखलाई करने, और यहाँ हमारे गांव के बच्चे डिफेंस में जाने के लिए इसी ग्राउंड में आते हैं रनिंग करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ। ये देखिए अभी हम पहुंच गए अपने टाउन में और हम यहीं से बस में जाएंगे अपने मायके। थोड़ा अपने टाउन का नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत है हमारे विश्वनाथ टाउन। ये देखिए अभी मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए। और आप सभी को मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।